Hey, hello everybody, welcome back with a new video. मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग एज अ पैशन हमें लेना चाहिए या एज अ करियर हम ले सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही साइड्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो या ट्रेडिंग करते हो तो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। मेक श्योर फर्स्ट टाइम हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि मुझे पैशन और करियर की डेफिनेशन आप लोगों को देने की जरूरत है। ट्रेडिंग को अगर आप एज अ पैशन चुनते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? फ्रेंड्स, पहला फायदा तो ये है कि यहां से आपको नॉलेज गेन होती है। और मुझे लगता है पर्सनल नोट पे कि हर एक फील्ड, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन नॉलेज रखनी जरूरी है। पता नहीं यार कब काम आ जाए, ठीक है? तो एज अ पैशन अगर आप इसे चुनते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट भी हो जाएगी, एक इनकम सोर्स आपका बन जाएगा एक्स्ट्रा। अब नेगेटिव साइड पे आते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको पता है टाइम कितना कीमती है हर एक इंसान के लिए। तो अगर आप वो टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, ज्यादा नहीं कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो वो टाइम आप मैनेज करने के लिए रेडी हो तो फिर आप इसे पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। और मुझे लगता है हर एक इंसान की लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना जरूरी है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। अब आते हैं कि ट्रेडिंग को अगर आप एज अ करियर चूज करना चाहते हो तो क्या नेगेटिव साइड है और क्या पॉजिटिव साइड है। फ्रेंड्स, नेगेटिव साइड ये है कि जहां पर भी पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूं कि ऐसा कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे रिस्क ना हो या पॉसिबिलिटीज ना हो, लेकिन जब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं, ऑफकोर्स यू विल गेट समथिंग बट यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग फॉर दैट। तो उस कंडीशन में अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म को एज अ करियर चुनना चाहते हो तो आई डोंट थिंक सो, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से इट्स नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि अगर आपके पास सेफ ऑप्शन है तो आप पॉसिबिलिटीज वाले प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जाना पसंद करोगे एज अ करियर ऑप्शन, और जाना भी नहीं चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, फिक्स टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, अगर आप जाते हैं बैंक्स के पास अपने पैसे पे रिटर्न्स लेने के लिए, या आप कराते हैं म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट, तो वहां पे आपका जो रिटर्न रेशियो होता है वो काफी कम होता है। मंथली ईयरली बहुत ही कम रिटर्न्स आपको मिलते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, यहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट पे 80% तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। ये एक ऐसा मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं। यहां जो ट्रेडिंग की बात हो रही है वो स्टॉक मार्केट नहीं है, वो हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर फिक्स टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई, क्योंकि स्टॉक मार्केट, बीएससी, एनएससी, ये अलग चीज हो जाती है, और अभी हम जिस मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं वो एक अलग मार्केट है। फ्रेंड्स, कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग एज अ पैशन और एज अ करियर दोनों में से एज अ पैशन आपको चुनना चाहिए, जहां पे आपको हल्का टाइम यानी बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके अच्छी इनकम सोर्स जनरेट करने का मौका मिल सकता है। दूसरा, करियर अगर आप इसे चुनते हैं तो मुझे नहीं लगता एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, लेकिन पैसिव इनकम जनरेट करने का एक सोर्स अगर आप इसे बना लेते हैं तो ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। हल्का टाइम इन्वेस्ट करो, सीखो और यहां पे इन्वेस्ट करो एंड अपने प्रॉफिट गेन करो। हर एक इन्वेस्टमेंट पे आपकी जो रहेगी उस पर 1% से लेके 5% तक का प्रॉफिट लो यार डेली, वो डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, नहीं इसे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसे ज्यादा लेने के लिए अगर आप जाओगे तो वो गैम्बलिंग हो जाएगा, वो एक एनालिसिस फैक्टर में नहीं आएगा, वो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस से काफी बाहर का हो जाएगा, सिलेबस से बाहर हो जाएगा, और उस केस में काफी लोग लॉस कर जाते हैं। और यही एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट ही नहीं कर रहा हूं कि ट्रेडिंग को एज अ करियर आप लेके आओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा कि क्या हम इसे फुल टाइम ट्रेड यानी जॉब की तरह ले सकते हैं, तो मैंने साफ साफ कहा कि नहीं भाई, फुल टाइम मत लो, आप कोई और जॉब करो, आप बिजनेस करो, लेकिन इसे आप फुल टाइम मत लो, इसे आप एज अ पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स बना सकते हो, ना कि हमेशा के लिए इस पर डिपेंड हो सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे क्लियरली मैं ये इंडिकेट नहीं कर रहा हूं कि यहां पे आप सिर्फ लॉस ही करोगे, या फिर अगर आप
एज अ करियर इसे चूज करोगे तो आपका सिर्फ नुकसान ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमेशा से ना अपने आप को एक सेफ साइड पे रख के चलो। जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं ना तो नेगेटिव साइड भी होता है, पॉजिटिव साइड भी होता है, मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो जब हमारे पास 50-50 पॉसिबिलिटीज होती है ना तो हम श्योर नहीं हो सकते कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसी बेसिस पे ना पॉसिबिलिटीज जहां पे आ जाती है वहां पे करियर ऑप्शन ना ही चुनो तो बेहतर होता है। और पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली बहुत फायदे में रहने वाले हो, क्योंकि यहां से ज्यादा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला है किसी भी फील्ड में अपने पैसे पे। हाँ, रिस्क रहती है, वो हर एक बिजनेस के साथ रहती है, आपकी जॉब के साथ भी रिस्क है, आप कभी भी निकाले जा सकते हो कंपनी से। ये COVID-19 की सिचुएशन के बाद काफी सारी जॉब्स पोस्ट खाली हुई है, नए हायरिंग हुए हैं, बहुत सारी चीजें, सैलरीज कम हो गई है लोगों की, तो कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं है, लेकिन एज अ पैसिव इनकम सोर्स के लिए हम श्योर हो सकते हैं हमारी लाइफ में। अगर हमारे साथ कोई सिचुएशन ऐसी आती है, पैसों की जरूरत है, हाई रिटर्न्स चाहिए, तो आप यहां से जा सकते हो। लेकिन वहां भी आपको एक माइंडसेट के साथ चलना होगा, ऐसा पैसा यहां पे इन्वेस्ट करो जिसके खोने का आपका डर ना हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पैसा खोओगे, सिर्फ इसका मतलब ये है, मैं ये इसीलिए आपको बोल रहा हूं, जब आपका ब्रेन ये सोचता है कि ये पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया है अगर ये लॉस हो जाता है, चला जाता है, तो मैं फाइनेंशियली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, ऐसा सोचने पे ना आपका जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, जिसकी वजह से आप लॉस फेस कर लेते हो, करना पड़ जाता है आपको। इसीलिए यही रीजन है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको जाए तो फर्क ना पड़े। तो उस केस में क्या होगा ना, आप फ्री होके ट्रेड ले सकते हो, आपके डिसीजन अच्छे होंगे और आपकी जो स्ट्रेटजी है, माइंड की जो साइकोलॉजी है, वो अच्छे से वर्क करेगी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बहुत अच्छे से ट्रेड लो और इसे एज अ पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स बनाओ, मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पहले से ही रेडी रहो। ओके, उम्मीद करता हूं कि जो पहुंचाना चाहता था बात आप तक पहुंच गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। लाइक, कमेंट एंड शेयर आपने कर दिया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द एंड।